हमारी जो जिंदगी है वो एक बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी कहानी। और इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होता है हमारा एक दिन, जो एक और कहानी है। लेकिन एक दिन की कहानी में ना जाने कितनी कहानी होती है, कितनी कहानियाँ, ढेर सारी कहानियाँ। तो आज का ये जो व्लॉग है ये उन्हीं कहानियों के रिलेटेड है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि इस एक दिन के व्लॉग में, इस एक व्लॉग में मैं कितनी कहानियाँ बना पाता हूँ। शायद आपको टाइटल से पता चल जाएगा कि कितनी कहानियाँ बनी है, लेकिन कौन सी कहानी किस तरीके की है। कहानी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, किसी भी लेंथ की हो सकती है। सो लेट्स सी। आज है नवरात्रि का 8वां दिन और आज हमारे घर में छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम मासूम बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है और सारे के सारे बच्चे नीचे हमारे भाभी के घर में चले। अरे वाह, चालू क्या तुम लोग का खाना पीना? क्या बना ले भाभी? खीर। अरे वाह, बच्चे लोग पार्टी चल रहा है आप लोग का? कौन कौन मजा ले रहा है खीर का? अरे वाह खीर। रुक जाए बेटा, आप ये दीजिए डैडी को। नहीं नहीं, ये चम्मच दीजिए डैडी को, दीजिए इस साहब का ये। ठीक है खुशी, आपने खाया खीर? आपने कैसे बनाया खीर? तो आप खीर के साथ लॉलीपॉप खा रही हो? नहीं प्रणीता का। तो प्रणीता का चोरी किया आपने? अच्छा, ये हमारी पड़ोस की बच्ची तनिषा, जब ये इतनी सी थी, इससे भी बहुत छोटी, जब ये रेंगती थी ये तभी से हमारे घर में आती है। अभी बच्चा पार्टी है और सारी फीमेल्स गई है यहाँ माता के दर्शन करने मंडप में। ये जस्ट पीछे ही है, मैं नहीं गया क्योंकि मैं जस्ट उठा हूँ, ब्रश किया, नाश्ता किया और बिल्कुल भी फ्रेश वगैरह कुछ नहीं हूँ, इसलिए इट्स बेटर टू स्टे हियर। आना दो मिनट, बच्चे लोग खेलेंगे उतना ही। ए शितु 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 रुको। जाओ खेलो, मजा करो। हाँ, उसको बिठाने को आप ही बैठ गए, कैसी दीदी हो आप? तू भी खेलना, तेरे को तो पसंद है ना, ये सब करते रहना चाहिए, अपना अंदर का बच्चा जगा रहता है। ए, ए, खुशी जल्दी, खुशी जल्दी भागो। अरे वाह, ऐसे ऐसे नहीं करने का। बट टाइम हो रहा है दोपहर का, मंडप से आए डायरेक्ट यहाँ पर गार्डन में घुस गए, बच्चे लोग भी खेल रहे और हम लोग भी मजा कर रहे हैं। काय अच्छा रुको, रुको सबको चाचू थोड़ा थोड़ा खिलाएगा, रुक जाओ। अभी हमारे घर की सारी औरतें चली गई, अभी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, अभी बच्चों को खिलाने का टाइम हमारा है भाई, और हमें इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। रुको रुको रुको, खेला आपने, खेला, रुको रुको, बाड़ा को ही बैठने दो, चलो घर पे जाना अभी, आप लोगों को खाना खाना है ना। ये देखो भैया बुलाने आए, ओम भी हमारे सोसाइटी में रहते हैं। किधर गए? अरे बच्चा, मैं बोला मेरे पीछे से किधर चले गया बच्चा ने। ये भी हमारे सोसाइटी में रहते हैं और आज बच्चे लोगों को खाना खिलाना है तो ये भी बुलाने आए। ठीक है चलो एक राउंड मार लो सब बच्चे लोग, ठीक है। अंजलि अंजलि, छी 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 छी, कृष्णा दीदी का हाथ पकड़ो। अंजलि हाँ, आप उधर से कृष्णा का हाथ पकड़ो। अंजलि आइए, कृष्णा का हाथ पकड़ो उस तरफ से। हाँ चलिए, चलो थैंक यू भाई। ये शैतान बच्चे लोग ने उनके पास से स्ट्रॉ मांग के ले लिए। चलो ये कहानी तो होती है ख़त्म भाई, अभी जाते घर। बज रहे शाम के 4:30 और ये समय है दूसरी कहानी शुरू करने का। मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं वाशी कल्याण ज्वेलर्स कुछ काम से और ये साफ कर रहे हैं हम हेलमेट स्पेशली आप लोगों के लिए। और आ गई हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट। हाउ इज द जोश रागिनी, कैसा आपका जोश? बैठना भी इधर फिर उधर क्या? अरे बैठना रागिनी, बैठ। अरे रागिनी तेरा हमेशा का कसम से, रागिनी तू मेंसाब हो गई है रागिनी, इधर चलिए उधर चलिए। हाँ दे रागिनी तेरा। ओ भाई कैसे है? बढ़िया। हाँ हाँ भाई ब्लॉग चालू। हाँ अरे चलो थैंक यू दोस्त, बाय बाय टेक केयर। देख रागिनी तेरे को पहचान रहे रागिनी लोग, क्या बात है रागिनी, क्या बात है।
तेरे को लोग पहचान रहे रागिनी व्लॉग देखकर, तो फिर आप तेरे को बोला आप बहुत फेमस हो गए, क्या बात है रागिनी। सोच अभी तो अपने इतने गिने चुने लोग है, सब अपन एकदम बड़े यूट्यूबर हो जाएंगे, मिलियंस में सब्सक्राइब हो गए, तो तू जहाँ जाएगी लोग तेरे को बोलेगा अरे अब तो रागिनी कुमारी रागिनी सरकार हो ना, बोलेगा रागिनी देवी, फिर तो तेरे को सब्जी वब्जी सब फ्री मिलेगा रागिनी। तू जिधर जाएगी सब्जी फ्री, दूध पे जाएगी दूध फ्री, आलू लेने जाएगी आलू फ्री। अरे भाई ये लोग का देख ये आदमी इधर से गाड़ी लेके जाएगा कि भाई तुम लोग क्या क्या है, गाड़ी रास्ते पे ही खड़ा कर दो ना बीच में सिग्नल में। सायन पनवेल हाईवे, इस तरफ सायन इस तरफ पनवेल। अरे ये देख ये मजनू भाई, ये देख डेरिंग देख, इसका डेरिंग देख कैसे चल के आया, देखा ये गाड़ियों के बीच में से, ये डॉन नंबर वन, ये डॉन डॉन डॉन। और आते आते ही ये छोटी सी बच्ची उसके माँ के साथ और दो छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं उसकी माँ ही है या नहीं, आके पैसा मांग रही है। नहीं देता मैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हम बढ़ावा देंगे तो उनके माँ बाप या जो भी उनसे काम कर रहे होते हैं वो उनसे और भीख मंगवाएंगे और बच्चों को भीख मांगने की आदत ही लग जाती है। अगली कहानी हम अंदर जाके आने के बाद शुरू होगी और वो क्या होगी कुछ पता नहीं, बट स्टे देयर। So let's jump on the next story, okay? अभी कुछ दिन पहले हमारी भतीजी का बर्थडे था तो मैं और मेरा भाई केक लेने गए थे, तो हमने वहाँ पर कुछ चखा था, एकदम प्यारी चीज़, एकदम प्यारी मतलब खतरनाक धमाकेदार क्या टेस्ट था उसका, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ रागिनी जी भी चखे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, एक हल्का सा प्यारा सा ट्विस्ट, रागिनी का है उपवास। तो अब जहाँ पर हम जा रहे हैं केक शॉप में, वहाँ उनसे पूछेंगे ये जो चीज़ है ये हम चखना चाहते हैं और हमारे साथ साथ हमारी रागिनी साहिबा भी चखना चाहती है क्योंकि इसका टेस्ट लाजवाब है। तो क्या ये जो चीज़ है क्या इसे हमारी रागिनी साहिबा आज उपवास के दिन चख सकती है इस टेस्टी चीज़ को? ये वो जगह जहाँ पर वो स्वादिष्ट चीज़ मिलती है, फ्रंट स्ट्रीट बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, और उस जगह के सामने ये छोटा सा बच्चा। क्या दुनिया है, क्या जिंदगी है। एक तरफ वो बेकरी जहाँ पर बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें खाने वाली है, हम भी आए खाने के लिए, और उस बेकरी के सामने बच्चा। हाँ मैं बोल रहा हूँ कैसा जिंदगी है, एक तरफ वो बेकरी है जहाँ पर लोग महंगी महंगी चीज़ें खा रहे हैं, अपन भी खाने के लिए आए, और एक तरफ उस बेकरी के सामने ही ये बच्चा बैठा है जो क्या पता भी, वहां पर उसकी माँ बैठी है। सोच अपन को कितना ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। नहीं बेटा सॉरी यार, कुछ है आसपास, ठीक है चल तेरे को खिला देता हूँ मैं, हाँ पर पैसा नहीं। हाँ अभी रागिनी बोल रही थी कि हस्बैंड ने बच्चे पैदा की और छोड़ दिया, अभी ये लोग मांग रहे भीख। मैं बोला कि उनकी क्या परिस्थिति है, वो लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे क्या है, अभी जो सच है वो तो हमें नहीं पता, हम तो वही बोलते जो हमें दिखाई देता है कि ऐसा वैसा भीख मांग रहे, ये कर रहे वो कर रहे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई बुरी परिस्थिति होती है, अब क्या बोलें। ठीक है चलो अभी ये सबको साइड में रखते हैं और जो चखने के लिए आए वो जाकर चखते हैं। हाँ रागिनी जी, बट वी आर सो ग्रेटफुल के ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है क्या नहीं, सब दिया है, सब सब है क्या नहीं अपने पास रागिनी, सब है, सब 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 मतलब सब, हाथ पैर घर माँ बाप बच्चे, किस चीज़ की कमी है हमारे पास, किस चीज़ की कमी है। अभी मुझे ये रियलाइज़ हुआ यहाँ पर, मतलब ये चीज़ तो है ही, ठीक है यार चलो छोड़ो इसके बारे में जितना बोलो उतना कम है, चलो रागिनी जी अंदर। नहीं 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 चल चल, तेरे को मन में क्या लग रहा है कि वो बड़े लोगों की जगह है, मैं जाके क्या करूँगी, है ना, वो बात नहीं, मास्क लगाना पड़ता है, इसलिए बार खोलूं मैं यूट्यूबर हूँ, मैं गरीब हूँ हाँ, मैं गरीब यूट्यूबर हूँ, हाँ
चल चुपचाप, चल रागिनी, नहीं मैं चाहता हूँ कि तू भी ऐसे जगह पे जाए घूमे फिरे, नहीं चल उठ, चल तेरे को लग रहा है फिर इसको कोई पकड़ लेगा अंदर कैमरा वगैरह लेके, नहीं तो उठ फिर जल्दी। अरे तो मैं लेके कैसे आऊंगा सब चीजें बाहर, चल नहीं 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 चला जा, चल मेरी कसम है तेरे को, चल मटपाई। ये जो मटपाई है क्या ये उपवास में खा सकते हैं नवरात्रि के उपवास में? कैसा खा सकते? नहीं खा सकते ना, छोड़ रहा नहीं, तेरा चांस गया। हाँ दोस्त एक ये दो ना। तो प्यारी स्वादिष्ट चीज़ जो मैं बात कर रहा था वो थी मटपाई, जो हमने लास्ट टाइम खाई थी और उसका स्वाद अभी भी हमारे मुँह में है, लेकिन वो हमारी रागिनी साहिबा नहीं खा सकती क्योंकि उनका नवरात्रि का उपवास है। अभी ये भाई ने हमें बताया कि उनका भी है तो वो भी नहीं खा रहे, तो अभी हम ही हैं जो अकेले इसका स्वाद चखेंगे और कभी दोबारा आएंगे तब रागिनी जी को भी चखेंगे। चल ना आजा भारी बैठ के खाएंगे आराम से सुकून से। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। तो ये है भाई वो मटपाई, एकदम गरम गरम करके दी है उन्होंने हमें ओवन में, और अब इसको खाने के बाद मैं इसको साइड में रख रहा हूँ। ये रागिनी सॉरी, लेकिन माफ़ कर दे तेरे पति को, रागिनी तेरे पति को माफ़ कर दे प्लीज़। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे मीठे की इतनी क्रेविंग हो रही है, पता नहीं क्यों मालूम नहीं, लेकिन जो मज़ा आता है मीठा खाने में और उसे खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, एकदम खड़क एकदम भारी भाई। रागिनी जी हम दोबारा आएंगे और दोबारा खाएंगे, पक्का वादा, ओके। रागिनी एकदम ऑकवर्ड फीलिंग करने लगती है जब मैं पब्लिक में ब्लॉग करने लगता हूँ, है ना रागिनी, शर्मा जाती है ना तू पब्लिक में। रागिनी बोल रही है पैसा दो पैसा दो, पैसा दिया ना रागिनी मैंने, क्या पैसा नहीं दूंगा मैं? कहाँ चलिए, अरे अगली कहानी शुरू करनी है फिर ना, नहीं करे अगली कहानी शुरू नहीं करे ना, कहानी कुछ नहीं, आज बहुत कहानी आपने पास बताने के लिए है। ये हुई कहानी की शुरुआत एक भयंकर ट्रैफिक के साथ। कौन भाई कौन ऐसे भयंकर ट्रैफिक में कहानी शुरू करता है, खतरनाक ट्रैफिक लगा हुआ है और हम निकल पड़े घर की ओर। ऐसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिला है क्या आप वो लाइसेंस सच में डिजर्व करते हो या नहीं। मुंबई की ट्रैफिक में आके दोबारा एक बार एग्जाम देना पड़ता है। भाई 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 रुक जा भाई, तू गाड़ी निकल नहीं सकती तेरी, मुझे मेरी स्कूटर निकालने दे। ओह क्या बात है क्या बात है, ऑस्कर दिया जाए ऑस्कर, जाओ 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 सब लोग जाओ जाओ, जाइए 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 सरकार। क्या बात है रागिनी क्या बात है, शाबाशी तो दे तेरे पति को, अरे पीठ पे थपथपा तेरे पति को, अरे मार रही है थपथपा रही है रागिनी। अच्छा रागिनी अच्छा, सब सब बदला ले लिए है ना एक ही बार में, कि इसने बोला थपथपा दे तो चलो बदला ही निकाल लेती हूँ, है ना, धड़ाधड़ मार दी मेरे को, है ना, कि हमेशा मेरे को ताने मारते रहता है, मेरा वीडियो में मजाक उड़ाता है, हंसता है मेरे पे, एक ही बार बदला निकाल लो सब, है ना। चलो भाई अभी अपने घर के बच्चा पार्टी के लिए लेना है कुछ तो छोटा मोटा सा सरप्राइज, सरप्राइज चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है जिससे बच्चा पार्टी खुश हो जाती है और उनके चेहरे की स्माइल देखकर हम भी खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ बलून्स, घर में चार बच्चे तो चारों के लिए दिया जाएगा, लेना तेरे लिए भी, लू बोल लू, ले ले चल पाँच ले लेते हैं। दोस्त कितने का है, एक दस का, ठीक है चार दे दीजिए ना, एक ब्लू दे देना, एक पिंक देना, एक हाँ हाँ, और एक ये दे दो और एक येलो दे दो। हाँ चार चार, अच्छा पांच हो गया क्या, रुको फिर इसमें से नहीं, अच्छा ठीक है चलो, अच्छा ठीक है ले लो यार ले लो। अरे दोस्त है देख अभी ले लिया भाई, पहले ही लिया ले लिया दोस्त, सही मैंने ले लिया दोस्त, अगली बार तुमसे ले लूँगा ठीक है, अगली बार तुमसे ले लूँगा। अरे दोस्त अभी ले लिया इनसे, एक तो पहले मेरे पास भी पैसा नहीं है मालूम क्या, पिछले तीन महीने से पगार नहीं हुआ मेरा, अभी एक तारीख को पगार होएगा। ऊपर वाली की मर्जी थी कि मैं पाँच ले लूँ,
मैं उसके पास गया तो उसको बोला 40 का दे, तो 4 दे, तो उसने 5 निकाल दिया। बाद में बोला अरे ले लो अभी मेरा बोनी नहीं हुआ है, 5 ले लो 5 ले लो। तो बोला चलो, मेरा शायद ऊपर वाली की मर्जी थी, सच्ची बोल रहा हूँ। देख ऊपर देखो, प्यारा प्यारा चांद, और इधर तेरा चांद जैसा मुखड़ा, तेरे लिए ये मेरी तरफ से प्यार वाला, ये ले तेरे को अलग से। ये देख दिल भी बना है, देख इसमें ये देख दिल बना है, ये गे शितू काम ते ते पिंक ते चाची चा, ये गे ये पिंक वाला गे तुला, ये गे असं नहीं करायचं, वो पिंक वाला चाची का है, ये लीजिए, ये बघ ये भी पिंक है, ये लो खुशी, नहीं ये लो खुशी, ये देखो ये आपका है, हे गे ये लो, अरे लो ना भी, मंगानेच नव्हतं पाहिजे मला, है ना, लाना ही नहीं चाहिए था, है ना, राव दे मग, ये गे ये लो लो ना भी लो, इन बच्चों में बलून्स बांट दिए और बलून का गेम भी हो गया और बहुत रोए ये बच्चे लोग, फुल धमाल किया। थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि इन बच्चों को अच्छी मैंने बलून लाए क्यों, इतना हंगामा मचा है, लोगों ने इतने रोए ये सारे के सारे। और इस बच्चे का बलून अभी भी इसको देना बाकी है क्योंकि ये सोया था और ये अभी अभी उठा है, तो इसको हमने प्रॉमिस किया है कि भाई आपका जो सिरा है वो ख़त्म करिए तो आपको बलून देंगे। लेकिन अभी हमने डिसाइड किया है कि पहले बलून दे देते हैं, फिर बलून के साथ खेलते खेलते खा लेगा बच्चा। ये लो आपका बलून है बेटा। अभी प्रॉमिस के अनुसार इस बच्चे ने जो हमें प्रॉमिस किया है कि इसको फुगा मिलते ही ये दूध सिरा खा लेगा, तो कृष्णा भी आपको प्रॉमिस निभाना है। हाँ ओके चलो ये लीजिए। हाँ अरे बलून को पप्पी ले रहे हो, लीजिए 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 ले लीजिए। अरे वाव, तो चलिए इस लंबी छोटी कहानी को यही समाप्त करते हैं। टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।